प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, इस राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय रेखा वर्मा जी, हमारे माननीय संजीव बालियान जी, प्रियंका रावत जी, सुब्रत पाठक जी, अमरपाल मौर्य जी, जेपीएस राठौर जी, सलील मिश्रो जी, गोविंद नारायण शुक्ला जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मित्रों, अपना गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश के इस विशाल परिवार का एक सूत्र में पिरोकर और मजबूत बनाने के लिए आज हम सभी के कार्यकर्ताओं को एक कर्तव्यनिष्ठ, सामाजिक और पारस्परिक परिश्रमी कप्तान मिला है। आदरणीय भूपेंद्र जी चौधरी जैसा मित्रों, हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का मैं हृदय के गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आप स्वागत करें मित्र। हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण और विशाल राज्य में भाजपा को सशक्त करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का चयन करके उनके संगठनात्मक कौशल पर विश्वास जताया है। मुरादाबाद के एक गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे भूपेंद्र सिंह चौधरी जीवन शुरू से ही सादगी और सरलता से परिपूर्ण हैं। शुरुआत के दिनों में संगठन के लिए उन्होंने जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष ऐसे जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कई सालों तक क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया है और संगठन का नेतृत्व किया है। मित्रों, माननीय मोदी जी योगी ने का कार्य भूपेंद्र जी ने पंचायत मंत्री रहते हुए किया है। साथियों, संगठन और सरकार के दायित्वों के निर्वहन में कोई कसर नहीं छोड़ी और राज्य का उस परिणाम उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष का जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। मित्रों, मैं नजदीक से देखा हूं और संगठन का यह अनुभव है जबरदस्त और एक साधारण है। सामाजिक भी पर्चा है प्रदेश के बारे में और सांगठनिक भी पकड़ है और सामाजिक पकड़ राजनीतिक सोच बूझ है। मित्रों, और भूपेंद्र जी का अनुभव मेरे को है, 10 साल में प्रभारी रहा। लोगों को लगता है हमारे विरोधी हैं, मैं नजदीक से देखा हूं। माननीय अमित शाह जी प्रभारी थे, लोगों को लगता था लोकसभा में हमारी विरोधी हैं, लेकिन सभी टिकट जितने लोग थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो जीतने लायक थे वह सभी को मदद करने का काम किया। भले वो विरोधी समझते रहे हो लेकिन संगठन के बैठक में उन्हीं लोगों का समर्थन करने का काम किया भाई भूपेंद्र चौधरी। साथियों, भाजपा एक ऐसा संगठन है जहां कार्यकर्ताओं का निर्माण अनवरत रहता है और निश्चित रूप से कह सकता हूं इस प्रक्रिया में भूपेंद्र सिंह जी का अध्यक्ष होने से और गति मिलेगा, पार्टी को प्रदेश में और गतिमान होगा। आज उनकी यह नई यात्रा है। निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें 100% सहयोग का आश्वासन देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके कार्यकाल में हमारा संगठन हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और प्रत्येक चुनाव में विजयी होगी और आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता 2024 में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। बात मित्रों, मेरे पास एक ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रमी नेतृत्व है आदरणीय योगी जैसा, और हमारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आदरणीय भूपेंद्र जी देवतुल्य हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ समझते हैं।
व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं लेकिन कमल के फूल से नाराज नहीं हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जीवन में नाराज नहीं हो सकते। यदि ऐसा कोई कार्यकर्ता इस धरती पर है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं हृदय से आदरणीय और मित्रों बहुत अच्छी जोड़ी है आदरणीय भूपेन जी भी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी बहुत सज्जे संचन और बिल्कुल परिश्रमी और साधारण परिवार से संगठन महामंत्री के रूप में है। एक बार धर्मपाल जी के लिए भी ताली बजाकर आप सब स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अनूप जी आदरणीय अश्विनी जी आदरणीय प्रियंका जी से चाहूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। माननीय अश्विनी जी माननीय अनूप जी माननीय सुब्रत पाठक जी माननीय जेपीएस राठौर जी और माननीय अमरपाल मौर्या जी। के लखनऊ आगमन पर देखिए तमाम जो पार्टी के नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो लगातार किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। मंच पर मौजूद हैं भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं वो मंच पर मौजूद हैं। मित्रों मैं इसी क्रम में आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से युवाएं